The Delhi Metro will run more trains and increase the frequency of its service as the Delhi government implements odd-even scheme to check deadly air pollution in the city. 70 extra trips चलेंगे, 198 trains हमारी चलेंगी. Maintenance का के reserves भी हमने draw कर लिए हैं. Maximum staff भी हम deploy कर रहे हैं. Dayal added that Delhi Metro will also deploy its maximum staff to cope with the rush of passengers. We are deploying more staff at all the token sale counters, smart card counters, and the token vending machines. There we will be putting people so that people can, if they want to vend their own tokens, they can be helped. The intention is to cut vehicle emissions by half, which is arguably one of the largest causes of air pollution in the city. Correspondent Kapil from New Delhi for ANI. अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जिस तरह से सम विषम योजना आई है, हालांकि योजना जल्दी में आई है, कितनी कारगर होगी मैं नहीं कह सकता, किंतु हम ये मैसेज जरूर देना चाहते हैं कि प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कुछ भी होता है तो हम सब लोग उसके अंदर साथ में जाकर. और मेरा खुद मानना यह है कि अब अगर जो कॉमनवेल्थ गेम्स में साइक्लोन के लिए रास्ता बना था, उस पर जो कब्जे हो गए हैं, अगर वो खुल जाएं तो लोग अब और ज्यादा साइकिल का प्रयोग करेंगे. तो आज वर्ष का पहला दिन है, हर वर्ष मैं वर्ष के पहले दिन हनुमान मंदिर जाता हूं, तो अभी मैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पे आज साइकिल से जा रहा हूं ताकि एक मैसेज दे सकें कि दिल्ली को जो प्रदूषण खा रहा है उसको कम करने की जरूरत है. मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूं, पर मैं ये भी देखता हूं कि बिना तैयारी की हो रही है. मेरे पास लगातार सवेरे से घंटियां बज रही हैं कि हम दफ्तर कैसे पहुंचेंगे, हम घर कैसे पहुंचेंगे. यही इसी योजना को सरकार अगर थोड़ा समय लगाकर लोगों को तैयारी का मौका देती तो और ज्यादा सफल होती. आज तो लोग वैसे ही कम रोड के ऊपर हैं क्योंकि 31 दिसंबर की रात तक, देर तक रात तक लोग जश्न मनाते रहे और आज वर्ष का पहला दिन है. कल से देखना ये पड़ेगा कि लोगों को क्या दिक्कतें और क्या परेशानियां होती हैं, क्योंकि जो लोग अपनी कारों से नहीं आएंगे वो मेट्रो पे आएंगे और दिल्ली में मेट्रो सिर्फ 30% चल रही है, दिल्ली के अंदर चलती है, तो मेट्रो में जगह नहीं है, लोग खड़े होकर जाते हैं. इसी तरीके से बसें भी नई नहीं आ पाई, आपने देखा है कि इसी तरह से थ्री व्हीलर भी नए नहीं आ पाए, थ्री व्हीलर एक स्कैंडल के अंदर फंस गए. तो मैं समझता हूँ पूरी तैयारी के साथ आने से दिल्ली की जनता को राहत मिलती, अब दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिलेगी, परेशानियां बढ़ेंगी.